नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों हम हैं गगवाना में और ये अजमेर के पास में है, 17 किलोमीटर अजमेर से दूर पड़ता है और ये है नेशनल हाईवे 8, इसके पास में ही है ये गोट फार्म है। काफ़ी शानदार जो बकरे हैं यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है। तो सर जी से बात करते हैं, नाम क्या है सर अपना? मुकेश पाइडिया। किस नाम से है गोट फार्म? पाइडिया गोट फार्म, पहाड़िया गोट फार्म। इस बार में क्या दिखाओगे सर जी? अभी खस्सी का लोट है, पूरा खस्सी का पूरा लोट है। खस्सी का पूरा लोट है। कितना है सर ये टोटल? अभी 70 पीस है ये। 70 है तो वेट जो है, वेट क्या है इसका? इनका एवरेज वेट 65 से 70 के बीच का सबका है लमसम में, जैसे 40 से 95 किलो तक का है। अच्छा, 40 से 95 kg का है ये। हाँ मतलब, तो दो दांत से फिर 8 दांत तक के हो गए होंगे? दो दांत, चार दांत तक। चार दांत तक के? दो से चार दांत। अच्छा, दो से चार दांत। तो सर ये जो एड्रेस का क्या है यहाँ का? यहाँ का जैसे अपना अजमेर से, अजमेर से पड़ता है 17 किलोमीटर। ये तो नेशनल हाईवे 8 नंबर हाईवे आ गया, तो बिल्कुल जयपुर रोड पास में ही, जयपुर रोड। और ये गगवाना पड़ता है? गगवाना गाँव। अच्छा, तो बकरे कौन कौन से हैं सर अपने पास में? अपने पास अजमेरा, गुजरी, सिरोही। सर एक इनकी तो सर एक अलग ही मतलब एक क्वालिटी लग रही है, तो हाँ। बताएंगे सर थोड़ा इसका, इनकी क्वालिटी के बारे में सर, ये क्या है क्वालिटी में? जैसे ये पूरा प्योर सिरोही के अंदर आ गया। हाँ, जैसे इसे प्योर सिरोही में। वजन क्या होगा इसका? वजन इसका 95 का है ना? हाँ। अच्छा, ये चार दांत का होगा? चार दांत पे अभी। अच्छा, और सर? और ये गुजरी में आ गया, गुजरी के अंदर। अच्छा, ये दो दांत पे है। क्या वजन का ये? ये 82 का है ये। अच्छा, और ये भी एक गुजरी के अंदर। इनका क्या होगा सर, इसका क्या है वजन? इसका वजन 90 का ना? ये दो दांत पे अभी। अच्छा, तो वेट वगैरह आपने तो किया हुआ होगा इसका? वेट लमसम क्या किलो दो किलो का चलता है मतलब ऐसे? अच्छा अच्छा, ना वेट की बिल्कुल आपको तो आइडिया है मतलब? आइडिया मतलब किलो दो किलो कमती हो सकता है मतलब। इसके अलावा ये अभी दो दांत पे है, बच्चा है दो दांत पे। अच्छा, मतलब हर प्रकार के जो हर कैटेगरी वेट के हैं वो सारे? सब कैटेगरी वेट के। अच्छा, ये भी दो दांत पे है। अच्छा, ये 75। काफ़ी अच्छा आपने कलेक्शन किया हुआ सर। हाँ, सब ईद वाला माल, सिरोही और गुजरी है इसके अंदर। हाँ, ईद वाला माल है सब। अच्छा, ईद वाला लोट है ना? अच्छा, ये अभी चार दांत पे। इनमें सर एक में मुझे खासियत दिख रही है इनका कि जैसे पेट जैसे फुला हुआ रहता है वो इनमें है नहीं मतलब? इतना नहीं, ये सब पलई का माल है मतलब, पलई वाला जो है ना? जंगल का माल नहीं है। हाँ, और ये तो सब अपनी मेहनत से पलई है मतलब। अच्छा, पलई वाले की सर क्वालिटी अलग हो जाती है वो? क्या शाइनिंग वाइनिंग सब देखो ना आप, शाइनिंग वगैरह में ना अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या वजन का होगा सर? ये 82 का। हाँ, लमसम 82 के करीब है। चार दांत का होगा? चार, दो दांत पे भी। दो दांत पे है क्या? देखो बिल्कुल सॉफ्ट बच्चे है, दो दांत दिखा देता है। दो दांत पे ये आपको दिखाई दिया मैंने, ये भी दिखा दिया। और प्योर अजमेरा के अंदर ये वाला, ये प्योर अजमेरा के अंदर। हाँ, ये अजमेरा के अंदर सारे खस्सी हैं? सब खस्सी, एक ही अंडूल नहीं है इसमें। तो सर अभी मतलब आपने क्या किस हिसाब से उनका कर रखा है, जैसे वेट के हिसाब से आप बेचते हैं या मतलब इसका नग के हिसाब से सेल करते हो, किस हिसाब से? मतलब जैसे अपना पूरा माल है तो अब अपन पट्टी के हिसाब से देंगे। अच्छा, पट्टी के हिसाब से आपने किया है ना? पट्टी के हिसाब से। अच्छा, तो क्या चल रहा है सर, किस हिसाब से आप दोगे? अभी देखो जी, ये पट्टी अभी है जो 28,000 के भाव की पट्टी है। अच्छा, तो 28,000 के अंदर कौन कौन से वेट के आ जाएंगे सर? 95 तक के आ जाएंगे इसके अंदर? जैसे 45 से मतलब 2-3 45 के और सब 50 से ऊपर के हैं। अच्छा, ये बॉडी वेट। तो मतलब इसमें जो लोट है पूरा लेना पड़ेगा या आधा आधा लोट या पूरा लोट? जैसे जिस बंदे के समझ में आया
दस बकरे लेने तो वो उस हिसाब से कीमत होगी। अच्छा, जैसे पूरा लोट लेगा तो पूरा लोट के हिसाब से होगी। अच्छा, पट्टी के हिसाब से आपने किया, तो पट्टी दस की है, मिनिमम पट्टी दस दस के बकरे दस की, सौ की हो, जैसे अगले के समझ में आना चाहिए मतलब कितनी पट्टी कितने पीस लेने अपने। अच्छा, तो उसी हिसाब से अलग अलग रेट लगे, उस हिसाब से रेट हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें वो छांट की पट्टी में कर सकता है या आपकी बनाई हुई? वो जैसे आप उनको चाहिए छांट की चाहिए तो छांट के ले सकते हैं, जैसे पूरा लोट चाहिए पूरा लोट के हिसाब से हो जाएगा सौदा। अच्छा अच्छा, तो पूरा लोड लेने पे थोड़ा बेनिफिट रहेगा वो तो, मतलब आमने सामने जब पाल्टी खड़ी होगी तो 5-25 की कोई बात नहीं ऐसा है। अच्छा, तो अभी तो सर काफ़ी जो इनका जो खर्चा वगैरह भी बड़ा है सर, तो हिसाब से अपने रेट वगैरह तो बढ़ेगी या फिर मतलब नहीं? अभी तो बढ़ेगी रेट, तो बढ़ेगी रेट में क्या, मतलब अभी तो कोई माहौल का पता ही नहीं पड़ा। और जैसे जैसे आज पत्ती 15 रुपये किलो थी, जो 16-17 रुपये थे, आज डबल हो गया सब, तो उसके अनुभव से मतलब हर जानवर पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं मतलब। अच्छा, और पर आपकी रेटें पुरानी हैं या इस हिसाब से बढ़ गई है? नहीं, इसी हिसाब से, इसी हिसाब से है ना। हाँ, अच्छा, अब पुरानी रेट तो बहुत सालों पहले में, और अभी बहुत फर्क आ गया। हाँ, उस हिसाब से। हाँ, वो खर्चा भी तो ज़्यादा डबल हो गया ना खर्चा, जो है तो जो 30 रुपये के करीबन पड़ रहा है, 30 रुपये हो गया जो भी। तो ये आप कलेक्शन कहाँ से सर, आप खुद का कर रखते हैं? कुछ तो अपने फार्म के हैं, बच्चे पाले हुए, और कुछ जंगल से है। अच्छा, जंगल से मतलब क्या? फील्डिंग का काम है अपना तो रोज का, राउंड का। अच्छा अच्छा, किसी के पास दो होते हैं किसान के पास, वहाँ से खरीद के लाते हैं। तो इनके अलावा सर और किस में डील करते हैं? अब कट्टू में तो करते ही नहीं है अपन, कटिंग पालने वाले बच्चों में करते हैं डील। अच्छा, पालने वाले में फीमेल हुई, मेल हुआ, फीमेल भी रखते हैं क्या? हाँ, फीमेल भी रखते हैं ना। अच्छा, तो फीमेल का क्या रहता है सर जी? वो भी नंग के हिसाब से? नंग के हिसाब से, जैसे क्वालिटी वाली फीमेल होगी तो उस हिसाब से होगी। तो जैसे आपका पालने वाला का है तो पालने वाला ही सेल करते हैं? पालने वाला, जैसे जंगल से भी खरीदते हैं ना, जंगल से भी खरीदते हैं। वैसे अपने वाली बात नहीं होती कि मतलब किसी नहीं, लेके जाओ वो वाली बात नहीं, जो समझ में आए तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये खासियत देखिए आपके फार्म की। हाँ नहीं, के आप देखो ना पूरा। जैसे अभी ये बच्चा है पालने वाला, हाँ ये पालने वाला बच्चा है, जैसे ये बच्चा अभी पालने वाला है। हाँ, ये इसकी लेंस देखो, और कमर की लचक ये वाला। अच्छा, ये पालने वाला बच्चा है, जैसे अभी आपको बताया ये बच्चा देखो। हाँ, इसका मुंह वगैरह, ये पालने वाले बच्चे हैं। कटिंग वाला माल तो अलग ही दिखता है मतलब। नहीं नहीं, आप मतलब एक कोई जैसे अनजान ही है, उसको पता ही नहीं है, तो उसको कैसे आप बताओगे कि ये पालने वाला है, उसको कैसे आइडिया लगेगा? जैसे अपने पास माल खड़ा रहेगा ना अपने पास, जिसमें से 50 पीस में से 10 पीस ऐसे है, तो एक कटन वाला भी लेना आते हैं, तो उसके अंदर पता पड़ जाता है भाई ये कटन वाले बच्चे हैं, उनका रूह मोटा। जो ये आती है ना ये वाली चमड़ी, ये चमड़ी किसी का जानवर का क्या रूह मोटा होता है। अच्छा, ये मोटी होती है। हाँ, और किसी का पतली चमड़ी का होता है ऐसे। अच्छा, तो उससे मालूम पड़ जाता है जानवर का। अच्छा, वो और पेस से, जैसे पेस है ना अभी ये, इसके हिसाब से फेस से कैसे लगता है? जैसे अभी इसका पेस देखो आप, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, वो जैसे घुमाओ के करे अराउंड, कान सींग सब देखो इसके, कान लंबे रहेंगे ना। हाँ, मतलब एक अलग ही मतलब प्योर में दिखेगा, प्योर में जो पालने वाला बच्चे की क्वालिटी तो अलग ही दिखेगी। जैसे ये बच्चा देखो आप, गुजरी के अंदर इसकी देखो आप, मुंह भी देखो इसका पंच पूरा, मतलब अभी ये खस्सी है, ये 90 केजी का है।